Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस प्रणाम्स. वेरी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ मुझे अवसर मिला है. गोपी मनोहर प्रभु जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पुनः यह अवसर दिया ताकि मैं इससे क्या होता है प्रवचन देने से कि हम भागवत को पढ़ते हैं, थोड़ा गहराई से भी पढ़ते हैं, थोड़ा और हम जानते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी पर्सनली. सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. तो आई बिलीव जय राधा माधव हो गया है ना गाके. या प्रभु. ठीक है ठीक है. तो हम एक मिनट क्या हुआ है. ठीक है तो हम प्रारंभ कर ही लेते हैं आज का जो क्लास है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Can you share? Okay. Do I have sharing access? Can everyone see my screen? Yep. Okay. Yes, bro. So, यह जो श्लोक है वह तृतीय स्कंध से है जिसका नाम है यथास्थिति. अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना. श्लोक संख्या 8. वाम उरावधि श्रित्य दक्षिणांग्रि सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थम अकृशम त्यक्त इप्पलम. शब्दार्थ वामे बाई उरौ जांघ पर अधिश्रित्य रख कर दक्षिण अंग्री सरोरुहम दाहिने चरण कमल को अपाश्रित टिका कर अर्भ का छोटा अश्वत्थम परगत का वृक्ष अकृशम प्रसन्न त्यक्त छोड़े हुए पिप्पलम घरेलू आराम. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई झांग पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे. यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे. तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है. बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेक वर्षों तक जीवित रहता है. इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं जिनकी संख्या 5 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश. बरगद का पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल हैं, अतएव वे उनकी पीठ के पीछे रखी गई हैं. चूंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है. त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है. अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे. जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां शशीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णमिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष श्रीनिवति पश्चिति देशधारिणी कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृति विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामितम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। I hope I am audible to everyone. Perfect. ठीक है। So आज का जो श्लोक जो है वो आता है, वो एक actually continuation है। पहले हम देखते हैं इस अध्याय में, actually पिछले अध्याय में, पिछले अध्याय के अंत में हम यही देखते हैं कि प्राचीन काल में या पहले मतलब त्रेता युग के अंत में जो यदुवंशी थे और राजवंशी जो थे वे खेल कूद में इतने मग्न हो गए कि जो ऋषि मुनि जो थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको शराप दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि यह जो श्राप जो था इससे यदुवंश का विनाश होने वाला था। तो कभी कभार एक प्रश्न उठता है कि भगवान के ही यह भक्त हैं, यह जो यदुवंशी जो क्या कहते हैं वंश जन हैं वे तो देवी देवताएं हैं, कुछ तो भगवान के पार्षद हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान ही उनका विनाश कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, ये इनका विनाश कैसे कैसे हो सकता है। तो यह अंततः यह हम यही देख सकते हैं कि भगवान की इच्छा थी। एक दृष्टिकोण से हम यह देखते हैं कि ये महाऋषियां जो थी ऋषियों जो थे उन्होंने क्या कहते हैं श्राप दिया था। अभी तो उन्होंने श्राप क्यों दिया, क्योंकि यह भगवान की इच्छा थी, तो इसीलिए उनसे कुछ गलती नहीं हुई है। वह ऐसे भगवान की जो इच्छा जो है वह उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो यह वंश जन जो है यदुवंशी भोज इत्यादि वह एक बार प्रभास क्षेत्र गए, उधर उन्होंने यज्ञ किया, ब्राह्मण को अच्छा प्रसाद दिया, सब कुछ इत्यादि। और उसके बाद वह क्या कहते हैं मद्य सेवा मतलब दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग लिकर, और वे इतने क्या कहते हैं मग्न क्या मग्न हो गए या मत्त हो गए, प्रमत्त भी कह सकते हैं, प्रमत्त हो गए कि वे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। और भगवान ने यह देख लिया कि अभी समय आ गया है कि हमें लीलाएं जो है मेरी लीलाएं इस क्या कहते हैं ब्रह्मांड में मुझे समाप्त करनी है और मुझे अभी दूसरे ब्रह्मांड में जाना है। तो यह सब होने के बाद भगवान भी सरस्वती नदी के तट पर आए और उधर एक अर्भक वटवृक्ष मतलब एक छोटा सा वटवृक्ष है उधर वह बैठ गए उसके क्या कहते हैं नीचे बैठ गए। तो एक बहुत ही अच्छा फोटो है, मैं सभी भक्तों को दिखाना चाहता हूं। कैन एवरीवन सी दिस? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हाँ प्रभु दिख रहा है। So we see in this, हम इस फोटो में देख सकते हैं, बहुत अच्छा सुंदर चित्र है। तो इस चित्र में दिखाया गया कि यह एक यह प्रभास क्षेत्र है और यह जो नदी जो है
यह नदी सरस्वती नदी है और यह सारे जो पेड़ जो है, एटलीस्ट यह पेड़ जो है जो दिखा गया है वह एक वट वृक्ष है, अश्वत्थ पेड़, और इस पर भगवान जो है लेटे हुए हैं। और जैसे हम देख सकते हैं भगवान का पीठ जो है वट वृक्ष पे है, और भगवान किसको देख रहे हैं या कोई मुझे बता सकता है यह कौन है? यह जिसका रंग भगवान जैसा ही है, उद्धव जी। यस करेक्ट, उद्धव जी। सो उद्धव जी और इसके पीछे है मैत्रेय मुनि। तो भगवान जो है उन्होंने अपना जो दाहिना पैर जो है उन्होंने अपने बाएं जंघों पर रखा हुआ है, जैसे कि इस श्लोक में हमने पढ़ा था, ठीक है। और अगर हम देख सकते हैं वो बहुत ही खुशी है, खुशी है, बहुत खुश है, समझ आता हूँ, बहुत खुश है। और उन्होंने अपना घर गृहस्थी का जो जीवन जो है त्याग दिया है और अब वह इस संसार से क्या कहते हैं निकल के दूसरे संसार में जाने वाले हैं। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज वर्ड्स। आज का जो श्लोक जो है इसका यह चित्र है। तो हम एक एक करके श्लोक को देखेंगे। पहले हमने पहले दो पंक्तियां देखी, वाम उराव। वाम का अर्थ है बायना पैर, उराव का अर्थ है जंघे। अधिश्रित्य मतलब उन्होंने उसका आश्रय लिया। किसने आश्रय लिया? दक्षिणांग्री सरोरुहम। दक्षिण का अर्थ है बाएं, सॉरी दाएं, क्षमा चाहता हूँ, दाएं। और अंग्री का अर्थ है कमल, और सरोरुहम मतलब उनके पैर। तो उन्होंने अपने पैर जो है दाहिना पैर जो है अपने बाएं जंघों पर रखा। फिर तीसरी पंक्ति जो है वह है अपाश्रिता भगाश्वत्थम। तो हम इसको हम स्प्लिट करेंगे, वो स्प्लिट है अपाश्रित अर्भक और अश्वत्थम। ये तीन शब्द है, इसको इसका हमने संधि विच्छेद किया है। अगर संधि के हिसाब से ले तो वो है अपाश्रिता अर्भकाश्वत्थम, और संधि विच्छेद के बाद आता है अपाश्रित अर्भक अश्वत्थम। तो अपाश्रित का अर्थ है आश्रय लेना, टेकिंग रेस्ट, और अर्भक अश्वत्थम, अर्भक मतलब छोटा, सबसे छोटा यह है वट वृक्ष है। तो एक बहुत श्रील प्रश्नना चक्रवर्ती ठाकुर भी अपने टीका में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने उसका बहुत सुंदर अनुवाद दिया है अपने तात्पर्य में कि कैसे इसका अर्थ क्या है, यह अश्वत्थ पेड़ का अर्थ क्या है। तो अश्वत्थ ये जो शब्द जो है वह इससे आता है न श्व तिष्ठति, इसका अर्थ है कि जो कल तक नहीं हो, जिसकी जो एग्जिस्टेंस जो है वह कल तक नहीं होती है। तो यही यह भौतिक जगत को दर्शाता है। भौतिक जगत जो है वह प्रतिदिन बदलता रहता है। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि मुझे इस दुनिया से अभी निकलना है, तो ही शोड इट थ्रू दिस सटल एग्जाम्पल, अश्वत्थ ट्रीज रिप्रेजेंटेटिंग द मटीरियल वर्ल्ड। सो थ्रू दैट सटल एग्जाम्पल ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट। फिर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह इसका दूसरा भी अर्थ है कि अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहना का अर्थ है कि इसके जो क्या कहते हैं झाड़ियां कह सकते हैं या what's that exact word? शाखाएं कह सकते हैं, हाँ शाखाएं जो है वो अनेक अनेक वर्ष के लिए रहती है। तो इस हमारी जो आसक्तियां भी है, ठीक है, वह भी क्या कहते हैं अनेक अनेक जन्मों तक होती रहती है। तो यह इसका अर्थ है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह भौतिक जगत जो है वह पांच चीजों से बना हुआ है। वह है क्या, कोई कह सकते हैं वो पांच चीज के अक्षर? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, इट्स भूमि आपो अनल वायु खम। तो भूमि मतलब पृथ्वी,
आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु ये, और खम का अर्थ होता है खम ही कह सकते हैं, ईथर या आकाश, आकाश उसका और एक अर्थ है। तो यह भौतिक जगत इन पांच चीजों से बना हुआ है। तो एक प्रश्न आता है कि भगवान ने अपना क्या कहते हैं वट वृक्ष अपने पीछे क्यों रखा? तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो जीव जो है जो जीव जो है जिनको मुझे देखना नहीं है, जिनको इस भौतिक जगत में ही उनको क्या कहते हैं आनंद लेना है, वह मेरे पीछे रहे ताकि वो मुझे देख ना सके। इसलिए जो बहिरंगा शक्ति जो है वो भगवान के पीछे होती है, वो भगवान के आगे नहीं होती, पीछे होती है। तो यह है अश्वत्थ का, इसका अर्थ क्या है? यह भगवान ने यह जो क्रिया जो की इसका, यह इसका मूल अर्थ है। तो हमारे हृदय में बहुत सारी आसक्तियां हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, और यह इच्छा इसलिए क्योंकि है क्योंकि हम अनेक जन्मों में इस भौतिक जगत में हैं, तो इसीलिए हमारी यह इच्छाएं हैं। और वह इच्छाएं बहुत आसानी से नहीं क्या कहते हैं छुटती। तो भागवतम में एक श्लोक आता है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश चिद्यन्ते सर्व संशय। जब यह हृदय के ग्रंथ जो है वो जब टूट जाएंगे तभी हम क्या 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 होगा, श्रीयंते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, कि हम भगवान और जो आत्मा जो है उसका हम दृश्य करेंगे, हम आत्मा का दृश्य करेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि मुझे आत्मा को देखना है, मुझे भगवान को देखना है, उसका दृश्य करना है, तो उसके लिए हमें तपस्या करनी होगी। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हम भौतिक चीजों का आनंद लेंगे तो हम सुख और दुख में इस चक्र में बने रहेंगे, हम इस चक्र के बाहर नहीं जा पाएंगे। अपितु अगर हम भक्ति करेंगे, योग भक्ति योग, तो हम यह जो हमारे हृदय में जो सारे आसक्तियां हैं अभद्र हैं वह नष्ट, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत और एक श्लोक आता है, वह है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि नष्ट प्रायेषु हमारे सारे भद्र है वह नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन, नित्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन, क्योंकि गृहस्थ के लिए वह पूर्ण समय भगवान के भक्ति में नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको अपना परिवार का भी क्या कहते हैं ध्यान रखना होगा, उसको उसके बाद क्या कहते हैं अपने अन्य सारे चीजें होती हैं, क्रियाएं होती है, उसको भी उसको करना है। तो इसलिए वह अपना पूर्ण समय जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी या वानप्रस्थ वह उतना समय नहीं दे सकता। तो इसलिए नित्यम का अर्थ गृहस्थों के लिए होता है कि प्रतिदिन वह कुछ समय निकाल के, एक घंटा भी कह सकते हैं या जितना भी गुरु ने कहा हो, एक घंटा निकाल के या कुछ समय निकाल के भागवत सेवया मतलब श्रीमद् भागवतम की सेवा करनी चाहिए। तो हम इसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? दो प्रकार से हो सकता है, ओके, मूल प्रकार दो प्रकार से हो सकता है। एक है कि श्रवण करके और दूसरा है कीर्तन करके। तो एक होता है कि हम भागवत का प्रतिदिन श्रवण करें और दूसरा है कि हम इसका प्रचार भी करें, जिससे हम भागवत का सेवन हो सकता है। भागवत सेवया, भागवत के और एक अर्थ भी है, भागवत के दो अर्थ, एक ही वह ग्रंथ और दूसरा है कि भागवत मतलब जो भक्त हो उसको भी भागवत कहा जाता है। तो हम उस भक्त की भी सेवा कर सकते हैं, इसके दो अर्थ है। तो इससे हमारे जो हृदय में जो अपत्र है वो नष्ट हो जाते हैं और फिर हम भगवान को देख पाएंगे। तो विल गेट बैक टू दिस वर्स, जो आज का जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि
अपाश्रितार भकाश्वथम। तो अश्वत्थ का अर्थ हमने देख लिया कि इसका एक्चुअली अर्थ क्या है। अब वो और एक शब्द आता है और वह है अर्भक। अर्भक का अर्थ है सबसे छोटा। तो हम यह बहुत बार सुना है कि ब्रह्म संहिता में या अन्य ग्रंथों में कि यह जो बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड है और यह सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो चैतन्य चरितामृता के मध्य लीला में शिला श्री चैतन्य महाप्रभु शिला सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं, आदेश नहीं क्या कहते हैं, उपदेश भी देते हैं। और बहुत एक चर्चा होती है तो उसमें 21 के अध्याय में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारका आए और जब वे द्वारका आए तो उन्होंने कहा, अब उनको भगवान से मिलना था। तो जो क्या कहते हैं डोरमैन को क्या कहते हैं एनीवेज द डोरमैन ही सेड मैं भगवान को कह के आता हूँ कि आपको उनसे मिलना है। तो वह भगवान के पास गए और कहा कि ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, तो भगवान ने कहा कौन से ब्रह्मा जी, ओके, उनका पूरा नाम क्या है। तो वो जो द डोरमैन ही देन रिटर्न टू लॉर्ड ब्रह्मा। उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से कहा कि आप कौन हो, कौन से ब्रह्मा जी हो, ठीक है। तो ब्रह्मा जी भी क्या कहते आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ, मैं चतुर्कुमारों का परम मैं पिता हूँ। तो जब यह बात जब भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा कि ठीक है इसको अंदर आने दो। तो ब्रह्मा जी अंदर आए, उन्होंने उनकी स्तुति की, आराधना की, दंडवत प्रणाम किया इत्यादि। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा, मुझे यह जानना है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन सा ब्रह्मा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय वो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने सारे ब्रह्मा जो है पूरे ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मा जो है सारे देवता जो है उनको सबको बुलाया। और जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है जो हमारे ब्रह्मांड के हैं उन्होंने वह देखा और वह हैरान हो गए कि उनको लगा कि वे ही एक ब्रह्मा है इस पूरे विश्व में। पर उनके उनका तत्व उसके बाद पता चला कि अनेक अनेक ब्रह्मा है, एक है जिनके पास 10 मुख है, 100 मुख है, 1 कोटि मुख है इत्यादि। तो उसके बाद सारे जो ब्रह्मा जो है वो जो उतर थे वह भी बहुत खुश हो गए क्योंकि भगवान ने उनको बुलाया है। तो दास जो होता है यह है क्या कहते हैं वन ऑफ दी क्वालिटीज ऑफ अ सर्वेंट। क्या है क्वालिटी, क्या है वह है, यह है गुण। या गुण क्या होता है एक भक्त एक दास का कि वह खुश हो जाता है जब उसका जो प्रभु जब उनको बुलाए, जब परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब उनका नाम पुकारे और उनको बोले कि मुझे आपकी क्या कहते हैं मैं कि मेरी सेवा करो, तो बहुत खुश हो जाता है भक्त। यह है दास का एक गुण। ऐसा नहीं कि दास कहेगा अरे फिर से नहीं 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 मुझे आज तो सेवा नहीं करनी है, मैं कल परसों कर सकता, आज मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं रेस्ट लेना। No, that is not the quality of a servant. The quality of a servant is always ready. वो हर समय वो सिर्फ he's just waiting. When will the Lord call me? Okay, हर समय actually this is one of the limbs of bhakti. कि वह एक भक्ति का एक अंग है, क्या है तत् कृपेक्षितम् कि कृपा की क्या कहते हैं कृपा की always waiting for the Lord to shower his mercy upon you. और waiting कि कब भगवान मुझे बुलाएंगे, कब भगवान क्या कहते हैं
मेरे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे इत्यादि। तो दिस इज वन ऑफ दी क्या कहते हैं, वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ सर्वेंट। सो उसके बाद भगवान ने क्या किया, सारे जो ब्रह्मा जी जो है उनको बोला ठीक है आप जा सकते हैं, आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जो है उन्होंने यह सब देखा और उनको पता चला कि भगवान जो है वह अनंत है, उनके अनंत ब्रह्मांड है, और वह उनको उनका गुणगान करते गए। तो यह जो आज का श्लोक है अगर हम उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि यह तो बहुत ही एक सरल अनुवाद है कि यू नो भगवान आए, उन्होंने अपना घर गृहस्थी का जीवन त्याग दिया, बैठ गए पीछे पिपल का, पिपल नहीं क्षमा चाहता अश्वत्थ का पेड़ था, और पैर ऊपर रख दिए एंड इज रिलैक्स। बट एवरीथिंग दैट द लॉर्ड डस हैज अ वेरी डीप मीनिंग अटैच टू इट, ये बहुत ही गहरा अर्थ होता है। हमें ऐसा लगता है कि यह बहुत ही एक साधारण चीज है, नहीं, इसका बहुत ही एक गहरा अर्थ होता है। और अगर कोई साधारण मनुष्य पढ़ेगा तो वह समझ नहीं पाएगा, पर जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की सेवा करेगा तो वह भगवान को समझ पाएगा। आज ही एक मैं एक श्लोक पढ़ रहा था भगवद गीता के 8वें अध्याय में कि पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततः। तो भगवान जो है वो सबसे परे है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, कि भक्ति के माध्यम से जो अनन्य भाव से की गई है। ऐसे नहीं कि मिश्र भक्ति हो कि नहीं ना मुझे मेरा मुझे यह बंगलो भी चाहिए पर आपके प्रति भक्ति भी करना है, नो, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, कि अनन्य भक्ति से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान को समझ पाएंगे, जो सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई नहीं, असमूर्ध्व मतलब उनके समान कोई नहीं है और उनके ऊपर कोई नहीं। यस्यांश स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदम तत्, और भगवान जो है वो अपने स्थान में है पर सब जगह है और सब उनके आश्रय में, उन पर आश्रित है, क्षमा चाहता। तो यह हम यह जो चीज जो अचिंत्य है, जो हम समझ नहीं पाते कि ऐसे कैसे हो सकते हुआ भगवान उधर भी है इधर भी है सब जगह, तो यह हम समझ पाएंगे। सो दिस इज पॉसिबल थ्रू भक्ति, थ्रू डिवोशनल सर्विस, भक्ति करने से, और भक्ति का जो अंग जो है उनका पालन करने से, गुरु के जो आदेश हैं उसका पालन करने से हम यह कर सकते हैं। तो इसमें यह तो हमने पहले 3 पंक्तियां देखी, अब हम आखिरी पंक्ति देखेंगे, अकृशम त्यक्त्व पिप्पलम। तो अकृशम का अर्थ क्या है, इधर हम शब्दार्थ देखेंगे तो वह बहुत प्रसन्न थे, वह पूर्ण रूपेण से प्रसन्न थे, दिख रहे थे, ऐसे कुछ नहीं था कि मैंने मेरे घर गृहस्थी का जीवन त्याग दिया, मेरे पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, घर नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे जी पाऊंगा, नहीं, भगवान बहुत प्रसन्न थे। तो बहुत बार क्या हम दिखा जाता है कि जो व्यक्ति गृह मेदी है उसको लगता है कि उसके बच्चे उसकी बीवी वही सब कुछ है। देहापत्य कलत्रादिशु, भागवत में दूसरे स्कंद में श्लोक आते हैं, देहापत्य कलत्रादिशु आत्मसैन्यशु असत स्वपी, कि देह शरीर आपत्ति मतलब अपने जो पुत्र या पुत्री जो है संतान जो है, कलत्रा मतलब अपनी जो बीवी जो है, आदिशु मतलब आदि मतलब अनेक मतलब और भी मतलब जो भी है घर माता पिता एक्सेट्रा, आत्मसैन्यशु मतलब उसको लगता है वही मेरे सैन्य है, वह मेरी आत्मा मतलब मेरा जो शरीर जो है उसको लगता है आत्मा ही, उसका शरीर ही आत्मा है। आत्मा सैन्यशु असत स्वपी, ओके, उसको लगता है कि यह चीज जो असत जो असत है उसको रक्षा करेंगे, पर तेषाम प्रमत्तो निधनम, वो इतने प्रमत्त है, ठीक है, कि पश्यन अपि न पश्यति, वो देख सकते हैं कि कैसे
भौतिक जगत में, घर गृहस्थी के जीवन में हम देखते हैं कभी कभी पत्नी जो है वो पति से पहले उसका निधन हो जाता है, कभी कभी पति का निधन पत्नी से पहले हो जाता है, कभी कभी बच्चे जो है वह माँ बाप को छोड़ देते हैं, कभी कभी बच्चे उनका निधन हो जाए. तो दिस इज सीन, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन दिस वर्ल्ड, हम देख सकते हैं. ओके और कभी कभी उनका पूरी रक्षा करने के बाद भी, सुरक्षा करने के बाद भी, जो अपने बच्चे हैं बीवी सब कुछ, तभी भी वह क्या कहते हैं प्रसन्न नहीं होते. तो तभी भी क्या कहते हैं उस व्यक्ति का जो आसक्ति जो है, अटैचमेंट जो है बना रहता है. बट द सुप्रीम लॉर्ड ही इज डिटैच्ड, ही इज नॉट एट ऑल अटैच्ड, वो इस भौतिक संसार से अटैच्ड ही नहीं है, कोई आसक्ति ही नहीं. तो इसलिए तक्तो पीपलम का अर्थ है कि उन्होंने अपने सारे जो क्या कहते हैं उन्होंने अपनी लीलाएं जो है वो समाप्त कर दी. और पीपल का और एक अर्थ होता है जिसका अर्थ है कि भौतिक सुख. तो भौतिक सुख जो भी है वो समाप्त हो गया, मतलब भगवान ने कुछ भौतिक सुख नहीं किया था, पर देखने में ऐसा लगता है कि वह भौतिक सुख है. सो मुंडक उपनिषद में पीपल इस शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये. आई रीड इट आउट. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि दो क्या कहते हैं पक्षी हैं और वह क्या कहते हैं दोस्त हैं. सखाया समानम वृक्षम पर शश्व जाते, और वह एक ही क्या कहते हैं पेड़ पर बैठे हैं. तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती, वह जो है एक जो है वह इस भौतिक संसार का सुख का आनंद ले रहा है. अनशनन अन्य विचा की चाकशीति, एंड और वह दूसरा जो अपना जो मित्र जो है उसको देख नहीं रहा. क्या मुझे कोई बता सकता है यह कौन है यह दो पक्षियां? प्रभु जी आत्मा और परमात्मा. करेक्ट. तो यह आत्मा और परमात्मा है. परमात्मा जो है वह उस क्या कहते हैं आत्मा जो है वह भौतिक संसार में है, वो सुख वो सुखी रहना चाहता है और वो सब कुछ मतलब क्या कहते हैं उस दुनिया में रहना चाहता है. पर जो परमात्मा जो है वह इस संसार में आना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ वह उसके दोस्त को देख रहा है, वो जो आत्मा जो है उसको देख रहा है. इसलिए भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंताज, इज द ओवरसीयर, भगवान सब कुछ देख रहे. पर अनुमंताज, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे कि हम कोई बगीचे में जाते हैं, कोई गृहस्थ जब जाता है तो वो अपने बच्चों को कहता है जाओ खेलो, तो उपद्रष्टा वो देख रहा है बच्चा कैसे खेल रहे हैं. और अनुमंता बच्चा कहता है कि मुझे गार्डन के बाहर जाना है, बगीचे के बाहर जाना है. पापा बोलते नहीं आप नहीं जा सकते, आपको बगीचे के अंदर ही खेलना होगा. वो अनुमति नहीं है, उपद्रष्टा अनुमंताच, तो इसलिए वह अनुमति नहीं है. तो भगवान अनुमति देते. तो यह एक मुंडक उपनिषद का श्लोक है. और दो श्लोक है, वह है समान वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशाया शोचति मुह्यमान, कि वही उसी वृक्ष पे ओके जो जो क्या कहते हैं द बर्ड He's enjoying, but वह जुष्टम यदा पश्यति अन्यमेषम असन्य महिमान एतवीत शोक, वह प्रभु शोक में निशाया शोचति, वह शोक में है और वह दुखी है शोचति. पर अपितु वह अगर अपने दोस्त के प्रति अगर वह देखे, वह पक्षी वह अपने दोस्त के प्रति देखे अस्य महिमानम और उसका इसकी महिमा जाने एतवीत शोक, तो अपनी जो शोक जो है वो पूर्ण रूप से वह विनाश कर सकता है, उसे मुक्त हो सकता है. और तीसरा श्लोक है यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, जब वह उस रुक्म वर्ण को समझ पाएगा, जब वो उसका उसको उसका उसका कुछ उसको ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, देन क्या होगा उससे कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि, तो ब्रह्म योनि जो है उसको प्राप्त होगी. वो ब्रह्म ही है जो आत्मा जो है वो ब्रह्म, वो जो
क्या कहते हैं पक्षी जो है ब्रह्मी है पर वह उसको प्राप्त होगा। क्या मुझे कोई कह सकता है रूपम वर्ण का अर्थ क्या है? रूपम वर्ण शब्द का कोई मुझे अर्थ का बता सकता है? सारूप्य मुक्ति है प्रभु जी। सारूप्य मुक्ति? नो, थिंक अबाउट इट। रुक्म और इसका एक्चुअली एक भजन में भी आता है, भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में भी इसके बारे में कहते हैं, रुक्म वर्ण विप्रसूत। चैतन्य महाप्रभु के बारे में है क्या प्रभु? गोल्डन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। रुक्म का अर्थ है सुनेरा, तो उसका अर्थ है कि गौरंग महाप्रभु के बारे में इसके बारे में कहा गया। तो मुंडक उपनिषद में गौरंग महाप्रभु के बारे में इसका वर्णन है, रुक्म वर्णम। तो आखिरी के दो पंक्तियां, तदा विद्या पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। तो इस भौतिक संसार के जो वर्ल्डली बॉन्डेज, दैट इज दैट ही बिकम्स फ्रीड फ्रॉम दैट, और वह भगवान का जो धाम जो है वो पुनः उधर लौट जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी गेट टू नो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। जब महिमा, भगवान की महिमा के हम जानते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, श्रीमताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो हृदयंतस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुर सता। तो इससे क्या होता है, जिस भगवान के बारे में श्रवण करने के से ही पुण्य श्रवण कीर्तन, जो भगवान जो है हृदय में जो अभद्र है उसका नाश हो जाता है और हम पुनः भगवत धाम लौट जाते हैं। और इस श्लोक में भगवान जो है वह भी अपने धाम लौटने वाले ही है, कुछ समय में हम देख लेंगे कैसे वह पुनः अपने भगवत धाम जाते हैं। और अगर हम भी अगर भगवान का के लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, उनके भक्तों के साथ उन भक्तों का संग लेंगे, तो हम भी भगवान के भगवत धाम पुनः लौट जाएंगे। तो मैं समराइज करूंगा आज का क्लास। आज के क्लास में हमने यह देखा कि कैसे भगवान का एक साधारण क्रिया जो है कितना, इसका कितना गहरा मतलब है। भगवान ने अपना सिर्फ दायना पैर अपने बाएं जंघों पर रखा, अपनी पीठ जो है, पीठ के पीछे है एक अश्वत्थ का वृक्ष, और वो बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने अपना जो क्या कहते हैं घर गृहस्थी का जीवन जो है त्याग के वह उधर बैठ रहे हैं। कोई कोई शोक, किसी भी शोक में नहीं है, दुखी नहीं है, कुछ नहीं है। और अपने इस असाधारण क्रिया से हम हमें यह बता रहे हैं कि कैसे यह जो ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और यह ब्रह्मांड पांच चीजों से बना हुआ है, भूमि आपो अनल वायु घम। और जिस व्यक्ति को मुझे देखना नहीं है वो मेरे पीछे ही होगा, मतलब माया जो है भगवान के पीछे पीछे ही होती है। और भगवान अपने इस एक्शन से बताते हैं कि कैसे कि अभी समय आ गया है, मेरे सारे जो लीला हैं अब समाप्त हो गए हैं इस दुनिया में। दूसरी दुनिया में भी वह चल रहे हैं, वो एक दुनिया में समाप्त होते, दूसरी दुनिया में वह शुरू हो जाते हैं। तो थ्रू दिस सिंपल एक्शन द लॉर्ड इज टेलिंग, शोइंग एवरीवन दैट हाउ ही इज लीविंग दिस वर्ल्ड शॉर्टली, एंड हाउ लेटर ऑन वी विल नो इन द लेटर वर्सेस भागवत में भी उसका वर्णन किया गया है कि कैसे अब कलयुग आने वाला है इत्यादि। सो थैंक यू ऑल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड बेरिंग मी विथ माय लिमिटेड हिंदी। I tried my level best. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। Yes, सर्वदेव गिरिधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु, और बहुत अच्छे से प्रभु आपने जो आज का जो क्लास है प्रभु विद द प्रभुपाद पर्पट में क्या लिखा है, इफ एनीबडी नॉट रीड द पर्पट सो एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड कि चलो पर्पट में क्या क्या टॉपिक निकला हुआ है, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, तो एटलीस्ट वो उनको अभी वो देख सकते हैं जाके. तो दैट वॉज वन गुड पॉइंट प्रभु. प्रभु जी सिर्फ मेरा एक सवाल था कि दैट यू शो दैट फोटो वेयर लॉर्ड इज सिटिंग ऑन द वटवृक्ष, और जहाँ पे विदुर जी और मैत्रेय मुनि का जो फोटो दिखाया था, सो दैट मीन्स प्रभु हम से क्या देख सकते हैं, मतलब दे आर इन द फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा और दे आर इमेजिंग दैट सीन प्रभु. यस ये मेरा थैंक यू प्रभु फॉर योर कमेंट्स एंड योर प्रेज. इट्स एक्चुअली बाय योर मर्सी दैट आई एम एबल टू गिव समथिंग, कुछ मैं बोल रहा हूँ मैं. आपका प्रश्न भी एक्चुअली अच्छा है. मुझे लगता है जितना मेरा ज्ञान है, मुझे मालूम नहीं है चित्र किसने बनाया है, ऑब्वियसली इस्कॉन के किसी भक्त ने बनाई है, पर जितना मुझे ज्ञात है मैत्रेय जी उस समय उस सिचुएशन में नहीं थे, जितना मुझे ज्ञात है, आई कैन बी करेक्टेड. और उद्धव जी थे, वो पीछे पीछे जा ही रहे थे, और भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया कि जाओ बद्रिकाश्रम जाओ और मैत्रेय मुनि से आप क्या कहते हैं भगवत ज्ञान जो है वो प्राप्त करो. सो दिस सीम्स टू बी लाइक ए सब लाइक अ पिक्टोरियल लाइक अ नाइस पेंटिंग मेड, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. या ओके 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 प्रभु. या प्रभु थैंक यू प्रभु. यस गोपी मनोहर प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, वेरी नाइस वेरी वंडरफुल, योर क्लासेस आर ऑलवेज अमेजिंग. इतना डेप्थ में होता है, एक एक पॉइंट्स को, एक एक वर्ड को, जो संस्कृत वर्ड है एंड पर्पट्स के एक एक बारीकी को इतना अच्छे से समझा कि कैसे इवन जो ये जो सिंपल चीज जो आज के श्लोक में है कि कैसे भगवान अश्वत्थ के पेड़ पे टेक कर जो है वो बैठे हैं, तो इवन दैट हैड सम मीनिंग. It was very nicely presented to all of us. So, बहुत बहुत अच्छा लगा वो. And the picture was really wonderful. बहुत 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 सुंदर पिक्चर है. And also, I noted one thing that Lord Krishna was shown as 400 form in that. Maybe he must have shown that form that time. That's why it's made like that. And yeah, even what I know, मुझे भी जितना पता है कि मैत्रेय मुनि वहाँ पे नहीं थे, it was उद्धवा, and उन्होंने उनको instructions दिया कि do such 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 things. Very wonderfully presented by you, thank you. And you always make such nice presentations, अच्छा photo, अच्छा inputs. So your Hindi doesn't matter. it's really, we can understand. It's so much of depth you have. Thank you for that, and keep joining with Sadhu Sangha. Keep giving your association. That's the only request. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, काफी सुंदर क्लास था आपका. और प्रभु जी मेरा प्रश्न एक प्रभु जी से जो बताया था वही था कि भगवान की भुजाएं वहां पे ज्यादा क्यों दिखाई गई हैं, तो ये तो आप बताएंगे. और प्रभु जी आपने ऐसे कहा था कि वटवृक्ष कल तक नहीं रहता है, और फिर शिलोपा जी के तात्पर्य में ये आया था कि वटवृक्ष काफी लंबे समय तक रहता है, और आपने उससे पहले बताया था कि वटवृक्ष कल तक नहीं रहता है. तो ये आप मैंने आपका पहला प्रश्न नहीं सुन पाया मैं.
वही प्रभु जी, वहाँ पे भगवान की चार भुजाएं क्यों शो की गई हैं? जब भगवान श्री कृष्ण लीला में थे तो दो भुजाएं थी, वहाँ पे चार शो क्यों हो रही है? जो पिक्चर आपने हमें दिखाई थी, तो ये सेम प्रश्न प्रभु जी ने अभी उठाया, तो वही मेरा सेम प्रश्न था क्योंकि मनोज प्रभु जी ने जो अभी पूछा आपसे। और सेकेंड वन यही था कि आपने ये लिखा था कि बोला था कि कल्पक नहीं रहता है वटवृक्ष, तो शिला उपाध्याय जी के तात्पर्य में ये चीज आई कि वटवृक्ष काफी समय तक रहता है, ये थोड़ा सा समझना था। और एक ये चीज पूछनी थी प्रभु जी कि जैसे चार मुख जो ब्रह्मा होते हैं, तो क्या इससे भी कम ब्रह्मा होता है? जैसे उसने ये दिखाया हमको कि चार मुख से भी ज्यादा ब्रह्मा होते हैं, और सबसे छोटा ब्रह्मांड चार मुख वाले ब्रह्मा है, तो जितने जितने भगवान के मुख ब्रह्मा जी के मुख छोटे होते जाएंगे उतना उतना ब्रह्मांड छोटा होता जाएगा, तो क्या दो मुख वाले ब्रह्मा है या तीन मुख वाले ब्रह्मा भी है क्या? ये थोड़ा सा जिज्ञासा थी प्रभु जी। ठीक है, अमेजिंग सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, मैं उसका प्रयास करूंगा उत्तर देने के लिए। तो पहला प्रश्न आपका जो था कि भगवान के चार हाथ है कि नहीं, एक्चुअली मैं अभी सर्च कर रहा था और मैंने यह देखा कि पिछले श्लोक में ही, आज का श्लोक था 3.4.8, कल का जो पिछला श्लोक जो था वो है 3.4.7, तो सातवें श्लोक में कहा गया कि उद्धव जी कहते हैं मैं उनके चार हाथों विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान है। इधर चार हाथों के बारे में कहा गया है कि अब चार हाथ क्यों थे उस समय यह मालूम नहीं, उसके लिए मुझे श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य या अन्य आचार्यों का टीका पढ़नी पड़ेगी। ये आपका प्रश्न का पहला उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न जो है कि अश्वत्थ पेड़ जो है, मैंने कहा कि जो कल तक नहीं रहता, पर अश्वत्थ पर अभी तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अनेक अनेक वर्षों के लिए रहता है, कल तक नहीं रहता का इसका अर्थ कि भौतिक जगत में सब कुछ क्या कहते हैं टेम्पररी है, इट डजंट एग्जिस्ट टिल टुमारो, बट आवर अटैचमेंट टू सच ऑब्जेक्ट्स दे कीप्स ऑन गोइंग। तो दिस इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है थ्रू द सेम, एक ही वृक्ष है पर उसके दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम उसको देख सकते हैं। और आपका और एक प्रश्न भी था मैं रिगार्डिंग, हाँ प्रभु जी चार मुख ब्रह्मा वाला, हाँ चार मुख ब्रह्मा के, हाँ तो इसके बारे में मेरा कोई, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैतन्य चरितामृता में कहा गया कि उससे भी बड़े ब्रह्मा जी थे, 10 मुख, 10 मिलियन, 1 मिलियन ऐसे, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, पर एक मुख ब्रह्मा आई डोंट नो, हो सकते हैं। पर यह कहा गया कि अर सबसे छोटा यही है चार मुखी वाला, तो इससे छोटा तो हो नहीं सकता, at least from shastras that's what we can understand. And one more point to add, this is not regarding your, the question, but हम इसके बारे में बता रहे थे कि मैत्रेय मुनि क्या उस समय थे कि नहीं, तो अभी जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा कि अगले श्लोक में हम देखेंगे कैसे मैत्रेय मुनि जो थे वह पहुंच गए, उधर ही पहुंच गए प्रभास क्षेत्र जो है, मैत्रेय मुनि उधर ही पहुंच गए। तो I hope this answers your questions. Vishwambar Guru Prabhu. Yes, sir. Thank you, Prabhu. आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी, बस समय नहीं लेंगे आपका ज़रा, और भी लोगों के देर से होंगे, तो मैं प्रभु जी बस ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे ब्रह्मा जी को ये कन्फ्यूजन हो गई जैसे कि मेरे से भी ज़्यादा और कोई और भी ब्रह्मा है क्या, तो हम यहाँ देखते हैं कि शिला प्रभा जी हमें हर एक चीज़ बता के जा रहे हैं, तो जैसे कि इतने सारे ब्रह्मा होते हैं और जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमको काफी सारा ज्ञान मिलता है, तो हम इस चीज को ये समझ सकते हैं कि हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज़ शिला प्रभुपाद जी हमको यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का यहाँ का ज्ञान दे रहे हैं जो इवन ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, क्या ये सोचना सही है या गलत है? वेल, ब्रह्मा जी जो है वह हमारे संप्रदाय के प्रथम गुरु है, पहला ज्ञान तो उन्हें दिया था, फिर वह नीचे नीचे आके अभी हमें प्राप्त हुए। कभी कभी ऐसे लीलाएं होती हैं कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, उस कौन सी प्रकार की होती है उसका मैं नाम भूल गया,
जहाँ पे ये बड़े बड़े जो भक्त जो इंद्रजीव भी एक बड़े भक्त हैं, मतलब कभी कभार हम देखते ही हो कि वैसे ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे हम सोचने लगते कैसे कैसे हो सकता है, वो भी एक बड़े भक्त हैं। ब्रह्मा जी तो हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, तो अगर हम ऐसे कुछ कहेंगे तो वो गुरु अपराध भी हो सकता है अगर ऐसे हम कुछ कहे देंगे। तो कभी कभी यह लीलाएं की जाती है ताकि दूसरे जीवों को बताने के लिए कि कैसे कैसे ये ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग द कॉमन पॉपुलेंस, बट ब्रह्मा जी इज वेल अवेयर ऑफ दिस। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वह आदि कवि है, उनके हृदय में he knows it is, knows it very well. Just he lives for 100 years, that is equivalent to 300 trillion 40 billion years of human beings. Usme se kuch for a very less amount of time he made some under the influence of the internal energy of the Lord, he made some mistake, okay, apparent mistake. ठीक है, भगवान ने भी उनको माफ कर दिया है, हमको नहीं कुछ कहने के लिए। Let's we are looking at. I hope that answers your question, bro. Yes, yes, Prabhuji. Thank you. बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। हम नहीं सोचेंगे कभी ऐसा अपराध होगा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Just a minute. Just related to Vishwa Prabhu's question about that Ashwatha, you very nicely answered. But also what I understand was it's ever changing, because we see temporarily. So, जो आज दिखता है वो कल वैसे नहीं होगा, and that's why that word is been used. Correct, Prabhu ji? Yes. That is also the second half of looking at the same question. So there's the first half and the second half, like, you know, ek side se, so this is the answer of the question I saw from this perspective, Prabhu saw from this perspective. So it's the same thing. Yes, same. But yeah, both the perspectives are beautiful. Yes, wonderful. Thank you for sharing the other half. Thank you. तो मैं जो इंग्लिश में आपकी समझा, मेरे को थोड़ी कम इंग्लिश आती है। मतलब आपकी कहने का मतलब प्रति क्षण संसार बदलता रहता है, प्रति हर मिनट में संसार, इसी की वजह से आपने जो आज है वो कल नहीं है, राइट? हाँ हाँ, यस। इसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई करूँ तो जैसे विश्वंभर प्रभु जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जैसे दिखते थे वो आज नहीं दिख रहे, वो वी कैन टेक इट लाइक दैट। सो it is like that, ever changing. हम लोग का body change हो रहा है, तो we are not the same. Yeah, okay. Temporary जो material world है वो. और दूसरा point I just wanted to just even I have heard about जो ब्रह्मा जी का है, तो जो चतुर्मुखी ब्रह्म है वो वही सबसे छोटे ब्रह्मा है, मतलब अभी तक मैंने सुना है, उसके नीचे के ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कभी नहीं सुना। तो minimum is 4-headed ब्रह्मा, एंड फिर उसके बाद 8 सर 16 32 इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग ऐसा। तो इवन आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट, बिकॉज़ वी हैव नेवर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में या कहीं पे भगवत गीता में भागवत में आज तक कभी इससे कम वाले कभी नहीं सुना हमने ऐसा। या थैंक यू हरे कृष्ण, बहुत अच्छे प्रश्न थे विश्वंभर जी, एंड थैंक यू वेरी मच ओजस्वी प्रभु फॉर दिस वंडरफुल आंसर। यस, जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये लेक्चर में आपने कहा कि जैसे अलग अलग वर्ण के जब लोग होते हैं, और उसमें आपने समझाते हुए कहा कि कैसे हम देखते हैं गृहस्थ है और ब्रह्मचारी वगैरह जो भी, तो गृहस्थ लोग आपने कहा था एग्जांपल देते हुए कि कुछ लोग ज्यादा समय व्यतीत कर पाते हैं, ज्यादा भक्ति को दे सकते हैं, लेकिन कम जो फॉर एग्जांपल अगर हम दो वर्णों को कंपेयर करें, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सदैव मंदिर में रहते हैं और उनका जो पूरा एक डेडिकेटेड फुल टाइम डिवोटी होते हैं वो लोग, लेकिन गृहस्थ जो है जैसे आपने कहा कि उनको अपनी फैमिली को भी देखना होता है, नहीं तो वो सारा ही दिन भगवान की भक्ति करें। तो ये भी तो प्रभु जी भगवान ने ही उनको दिया है ना कि तुम गृहस्थ हो तो तुम्हें अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी करनी है और फिर भी मुझे पूजो, मतलब ये दोनों चीजें तो भगवान ने ही उनको दी है ना प्रभु जी।
यस करेक्ट, यू आर राइट। तो गृहस्थ का जी क्या कहते धर्म है, तो उसको अपने परिवार जनों का सबका ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम ही हैज टू डू प्योर डिवोशनल सर्विस, भक्ति भी उसको करनी है, बोथ ही हैज टू डू बोथ। अब ब्रह्मचारी उसको भी अपने कुछ क्या कहते धर्म, ब्रह्मचारी का भी धर्म होता है और उसको पैरेलली भक्ति भी करनी होती है। वानप्रस्थ का भी उसका भी एक धर्म होता है, सन्यासी का भी एक धर्म होता है, उसको धर्म का पालन करना होता है। एट द सेम टाइम ही हैज टू डू भक्ति, बोथ ही हैज टू डू बोथ टिल द टाइम ही रीचेस द सिच पॉइंट वेयर क्या कहते हैं ही कैन डू प्योर डिवोशनल सर्विस, वेयर क्या कहते हैं विच इज जितना मुझे मालूम है वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गृहस्थ, जस्ट एंगेज्ड कंप्लीटली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आई बिलीव द एग्जाम्पल गिवन यू आर हियर फॉर अ गृहस्थ इज आई थिंक सो इट्स वाल्मीकि, वाल्मीकि मुनि और हू आई फॉरगॉट वन ऑफ द ऋषिज, आई थिंक सो इट्स वाल्मीकि, आई थिंक सो ही वाज अ गृहस्थ आल्सो, और I can be corrected. Let's just say it's a rishi because I don't want to confuse anyone. इसको confuse नहीं करना है। ऋषि थे और नारद मुनि ने उनको कहा कि तुमसे भगवान का नाम लो, ठीक है, वो उनका आदेश था, मतलब नारद मुनि ने उनका आदेश दिया था। तो ऋषि ने कहा कि तुम मुझे, मेरे में तो गृहस्थ हूँ मैं, क्या कहते हैं मुझे भोजन कैसे प्राप्त होगा, मुझे भी मेरे भी घर है उसको मैं कैसे ख्याल रखूंगा इत्यादि। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लो तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। But such a state is very very difficult. यह position को reach करना, इसको कहते हैं निरपेक्ष भक्ति, कोई अपेक्षा नहीं होती। और बहुत और हमारे आचार्यगण भी कहते हैं कि निरपेक्ष भक्ति किसी गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए, because it's extremely difficult to be completely surrendered कि जो situation हो भगवान दे में वो accept करने वाला, कल घर हो या ना हो, कल खाने के लिए पंच पकवान मिले, कल खाने के लिए सिर्फ एक सेव मिला, चलेगा मेरे से भगवान का नाम। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अंटिल दैट गृहस्थ इज वेरी सरेंडर्ड। इसलिए हम वेरी रेयरली वी सी सच सिचुएशंस, इट्स रेयर, वेरी रेयर। एंड क्या कहते हैं, देयरफॉर इट्स रेकमेंडेड दैट ही स्टेज इन दी प्लेटफॉर्म वेर ही परफॉर्म्स हिज गृहस्थ ड्यूटीज, एट द सेम टाइम ही डज प्योर डिवोशनल सर्विस, एंड स्लोली स्लोली व्हाट ही हैज टू डू इज गिव अप हिज डिजायर्स फॉर यू नो व्हाट ही से having a big family, beautiful wife, his children, his house, slowly slowly has to get detached from it and enter vanaprastha and then sannyas. So he has to do his duties, it's very important. Yes, Gopi Manohar Prabhu. Yeah, thank you Prabhu, very nicely this point je bola nirapeksha bhakti, it is very very difficult. एंड ये जो गृहस्थ वाला जीवन है, तो आई सी मतलब मैंने कई बार कई सीनियर्स से भी सुना था कि इफ यू सी द नंबर ऑफ डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, तो जो जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है दे आर वेरी फ्यू और मेजोरिटी आर गृहस्थस। पांडव है, युधिष्ठिर महाराज है, फिर अम्बरीश महाराज है, जितने भी बड़े बड़े भक्त कितना अच्छा कॉन्शियस। एंड बट इफ यू काउंट सन्यासीज और वी कैन हार्डली काउंट इट ऑन फिंगर्स, बट जितने मेजोरिटीज है दे आर गृहस्थस। सो द पोजिशन जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ग्रह ठाकुर वने ठाकुर, दैट डजंट मैटर, हम लोग कहाँ हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ पे है दैट मैटर्स। इवन मैं जब भी गृहस्थ की बात करता हूँ तो आई ऑलवेज रिमेम्बर तुकाराम महाराज, ही वाज सच ए एलिवेटेड डिवोटी, क्या कॉन्शियसनेस था उनका, ही वाज सो एलिवेटेड, मतलब गृहस्थ होते हुए भी ही लेड अ वेरी लाइक ना एक उच्च पद के भक्त का उन्होंने जीवन जिया था। सो जस्ट वांटेड टू हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, करेक्ट, यस व्हाटएवर यू सेड इज करेक्ट प्रभु। Even in Tukaram Maharaj's story, his life story, we can notice, हम देख सकते हैं कि कैसे वह भगवान के नाम जप करने में कितने
मग्न थे. ही जस्ट लव डूइंग दिस. पर ही कैन नोटिस हिज वाइफ वाज नॉट वेरी हैप्पी. तो एक यह एक चीज होता है कि घर गृहस्थ जीवन में हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव टू गो पैरेलल. इफ द हस्बैंड इज टू स्पिरिचुअल एंड द वाइफ इज नॉट दैट मच, बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. एंड वाइस वर्सा, द वाइफ इज टू स्पिरिचुअल, हस्बैंड इज नॉट दैट स्पिरिचुअल, थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है. So it has to done parallelly, smoothly. It's a slow journey. That's one reason why grihastha life is not very much recommended. It's a slow journey. बहुत धीरे होता है, बहुत सारे काम होते हैं. भक्ति के लिए भी समय मिलता है, पर उतना नहीं जितना ब्रह्मचारी को मिलता है. ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी. श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत अनेक बार यह चीज़ कहते थे कि on a morning walk, he said once, एक बार कहा था कि जीवन मतलब आप चल रहे हो, आपने एक पत्थर देखा, आपने पत्थर आपके सिर पर रखा, इसका अर्थ है गृहस्थ जी. तो यह एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है, यू नो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. पत्थर लिया तो सम पीपल माइट गेट डिस्करेज्ड विद दैट. पर शिला प्रभुपा जी एक बार ऐसे भी कहते हैं कि अगर अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता हो गृहस्थ होके, तो वह सन्यासी के तुल्य ही है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. वी सी टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हियर. सो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग वी गेट, हाउ वी फॉलो, उस पर निर्भर है. बट टू अगेन कम बैक टू माताजीज क्वेश्चन, जय माताजीज क्वेश्चन, दैट इट्स नॉट ईजी टू डू निरपेक्ष भक्ति एज अ गृहस्थ. आई मीन it's better not to try. Our acharyas also don't recommend, so there's no point of trying it also. In the story that I had mentioned, Narad Muni had instructed that disciple to do so, and he was successful, no doubt about it. It's Narad Muni and it's actually instruction of the guru. But agar hum aisa try karenge, kyunki hamare guru ne to kaha nahi hai karne ke liye, to nischit hai ki hum fail ho jayenge. So it's better to be follow our rules, okay? In this regard, there is a verse in the Bhagavatam. मैं इसको share करना चाहता हूँ screen को. दशम स्कंद में आता है. Stop sharing. You can see the screen? You all can see the screen? Yes, Prabhu. कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहता है? An intelligent person should learn to renounce his desire for wealth by performing sacrifices and acts of charity. He should learn to renounce his desire for wife and children by experiencing family life. And he should learn to renounce his desire for promotion to a higher planet in his next life. O saintly Vasudev, by studying the effects of time, self-control sages who have thus renounced their attachment to household life go to the forest to perform austerities. I feel it's self-explanatory. Jitna mein, इसपे कुछ ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते. तात्पर्य भी नहीं दिया गया है. It's quite a, gives it away. I hope that satisfies your Mataji, the answer. Yes, Prabhuji. Prabhuji, तो वो जो एग्जाम्पल प्रभुजी ने दिया अभी, जैसे कि तुकाराम महाराज का, क्या वो निरपेक्ष भक्ति करते हैं? I don't know. Can't say. He did his duties as a grihastha. ऐसे नहीं कि उन्होंने किया नहीं था. I don't know what is his occupation was also. मुझे अभी इतना याद नहीं है. But he did his duties as a grihastha. But his wife was very fed up of him. क्योंकि वो बहुत से भक्ति कर रहे हैं. बहुत बार एक हम जानते हैं. गोपी मनोहर प्रभु can actually elaborate on this more. I would request him to do so. Hare Krishna Prabhu. I don't know about this, whether he did nirapeksha, we can say that. But I think, see, he never had any apeksha
फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इवन व्हेन हिज सन वाज इल ही जस्ट सेड जस्ट चैंट होली नेम एंड ही विल गेट इल सो ही टेक्स हिम टू विठला he puts him on his feet and he gets well so in a way we can say that he did nirapeksha bhakti but I never I don't have any reference to say that he did nirapeksha bhakti so I cannot comment on that but yeah he was a very elevated devotee and although his wife who was always against his bhakti or panduranga she used to always karvela matlab na parate bolte kay nisto o tya kalyacha mage laglela asto so she used to always karvela you are always panduranga bola take care of your family also he said I don't need to take care Vittal is taking care so that was his level of bhakti so in a way yeah we say that He didn't had any apeksha, so in that sense we can say, but I don't have any reference to comment on that. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yeah, Sanatan Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Prabhuji, बहुत अच्छा क्लास था आपका ओजस्वी कृष्ण प्रभु जी आप जब भी आते हैं तो मतलब काफी डिटेल्ड क्लास जाते हैं और बाद में डिस्कशन भी ऐसे ही हो जाता है अभी ये सवाल पूछा था जया माता जी ने मतलब जो तुकाराम जी का जो मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है उसमें से तो क्लियर दिखता है कि उनकी वो जो भक्ति थी वो निरपेक्ष थी क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज की मतलब जो भी मिलता था मतलब जो एक एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ वो मतलब एग्जांपल मेरे मतलब वो कभी इसमें से जा ही नहीं पाएगा कि उनको एक खेती का रक्षण मतलब उनको खेती रखने के लिए एक आदमी बोलते है कि आप ये खेती को ये करो रक्षा करो तो फिर आपको शाम को मैं जाते समय खाना दे दूंगा अनाज दे दूंगा थोड़ा तो ऐसे एक दो दिन हो जाता है लेकिन एक दिन एक उधर का जो ब्राह्मण रहता है जो तुकाराम जी के खिलाफ रहता है वो जानबूझ के क्या करता है कि बैलों को अंदर छोड़ देते हैं और तभी तुकाराम जी के मतलब एज यूजुअल जब वो जाते थे तो वो हरि नाम गाने लगते थे और उस कीर्तन में इतने ये हो जाते थे कि वो पूरा भूल जाते थे आजू बाजू का और वैसे ही होता है कि उस दिन वैसे वो कीर्तन गाने लगते हैं लोग आ जाते हैं लोग भी उनके साथ नाचते लगते और ये ब्राह्मण जो है वो बैल वगैरह का अंदर छोड़ते और पूरे खेती का बहुत नुकसान होता है और ये आदमी जो ओनर आता है जब खेती को देखते हैं तो वो बहुत गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा जमीन जो है वो गिरवी रख दूंगा तो अनाज तो तुमको मिलेगा ही नहीं लेकिन तुम्हारा जमीन गिरवी रखूंगा जब मैं ये अगर जब ये खेती निकालूंगा अनाज निकालूंगा अगर ये अनाज कम रहेगा तो मैं तुम्हारी जो घर है वो मैं नीलाम करके उसमें से अपना पैसा वसूल करूंगा तो तुकाराम जी वहां से आ जाते हैं और फिर घर पे बोलते थे कि हाँ ठीक है हम लोग अभी घर छोड़ के जाना है और वो शादी मतलब उनको जो साइन है वो सिग्नेचर वगैरह कर देते और यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जब अनाज निकलता है तो देखता है तो बहुत कम आया हो रहता है अनाज बहुत कम तो फिर वो आदमी को बोलते हैं कि आके बोल देता है कि आपको घर खाली करना है अपने अनाज बहुत कम आ गया क्योंकि वो नुकसान की वजह से तो इस बार आपको खाली करना है फिर ये घर बच्चों को लेके निकलने जाते थे वहां पे होता ऐसा है कि विट्ठल जो है वो उसके अनाज को इतना भर देता है कि मतलब जिंदगी में आदमी ने कभी इतना अनाज देखा नहीं रहेगा इतना अनाज वहां पे विट्ठल भर देता है उसमें और जब ये आदमी वापस रिटर्न आते तो देखता तो अनाज इतना भर गया है तो फिर वो उसको कहीं तो पता चलता है कि नहीं ये जो है वो कुछ तो मतलब महान ये आदमी है तो वो क्या करता है वो भी उतने लेवल का अच्छा दिखा है कि वो जितना अपना अनाज होना चाहिए उतना अनाज निकाल के बाकी का जो भी अनाज एक्स्ट्रा आता है वो तुकाराम जी के पास भेज देते है कि ये सब जो ये अनाज मेरा नहीं है ये अनाज एक्स्ट्रा आ गए आप ले लो करके तो ये मतलब ये घर छोड़ के जाने वाला रहता है तो घर तो छोड़ते नहीं है लेकिन ऊपर से कितने सारी गाड़ियां भर के बैलगाड़ियों भर के आते रहते हैं अनाज के इतने सब इतना अनाज वहां पे आता है एक्स्ट्रा और सब अनाज एक्स्ट्रा अनाज यहाँ पे भेज देता है यहाँ पे आने के बाद फिर वो वहां पे सब रहता है तो लोग पूछते कि ये अनाज इनको तो एनी वे उतना नहीं चाहिए रहता है लेकिन उनकी पत्नी बहुत खुश होती है और उसमें से अनाज में से वो जो उनके उनका जो अनाज रहता है वो लेके अंदर आती है और उसमें पीसने लगती है वो और यहाँ पे लोग आते हैं तो मुझे चाहिए हाँ ले लो मुझे चाहिए हाँ ले लो करके तुकाराम देते रहते सभी को
ऐसा है, ऐसा होते होते उनके उनके पास जो एक्स्ट्रा अनाज आता है सब सब खत्म होता है, तुकाराम जी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे फिर एक आदमी और एक आता है आखिर में, जब सब सब खत्म होने के बाद एक आदमी आता है कि मुझे भी अनाज चाहिए, तो वो क्या करता है, वो अंदर जाके जो उसके पत्नी ने जो पिसा हुआ आटा रहता है जो बच्चों के लिए रहता है वो भी निकाल के लाके उसको दे देता है। तो ये लेवल की जो भक्ति है वो हम लोग मतलब काइंड ऑफ मतलब सोचने के बियॉन्ड थॉट प्रोसेस है प्रभु जी। जस्ट एक इंसिडेंट मेरे को बताने का इच्छा हो गई थी। हरे कृष्ण, दानव प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर नरेटिंग दैट वंडरफुल लीला ऑफ तुकाराम महाराज। एंड एक्चुअली इस लीला से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जब उस व्यक्ति ने तुकाराम महाराज को बोला कि मैं तुम्हारा पूरा घर लेने क्या कहते हैं घर जो है जमीन भी लेने वाला हूँ, तुकाराम महाराज जो थे वो दुखी नहीं हुए, वो क्रोधित भी नहीं हुए। तो और जो व्यक्ति सुख और दुख में तुल्य हो भगवान कहते हैं वो मुझसे बहुत प्रिय है। आई वुड लाइक टू शेयर वन श्लोका में, एवरीवन कैन सी दिस श्लोका फ्रॉम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 18-19, कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहता है? जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, क्षति तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। Yes, thank you for reading. तो इसमें हम देख सकते हैं कैसे वो सुख और दुख में समभाव थे। उन्हें यह नहीं देखा कि अरे खाना नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, कुछ नहीं, संतुष्ट थे, उनको घर बार की कोई परवाह नहीं थी। और from what we understand, such people do निरपेक्ष भक्ति, और इसी जन्म में उनको कृष्ण प्रेम जो है, और इन दिस केस विट्ठल प्रेम उनको वो प्राप्त होता है। तो इसे कह क्या कि ज्ञान से ज्ञान में दृढ़ है जो व्यक्ति, कि तो उस व्यक्ति भगवान कहते कि वो मैं उसे बहुत प्रिय है, यह पुरुष जो होता है वो अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, इसका जो जब भी हमने संत तुकाराम का भी, मैंने भी स्कूल में हमने पढ़ा था, संत तुकाराम बहुत बड़े संत थे, जस्ट मुझे जस्ट ये एक क्लिक हुआ, इसलिए मैंने सोचा मैं ये पूछूं कि जैसे हम सुदामा का जब देखते हैं, उनकी भी पत्नी थी, वे भी उनको भेजती है भगवान के पास, आपके मित्र हैं, आप जाके मांग सकते हैं, हम क्या इनको दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं? ये दोनों मतलब भगवान के, संत तुकाराम मतलब सुदामा जो थे भगवान के मित्र थे और वे भी मतलब गरीब थे, और तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं संत तुकाराम भी भगवान पर ही आश्रित है पूर्ण तरीके से, तो दोनों ही मांगते हैं भगवान से, लेकिन उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि भगवान उनको दे ही दे, जो देना है भगवान को दे, नहीं तो भी चलेगा। तो क्या हम इनको समान समझ सकते हैं, सिमिलर समझ सकते हैं? जितना मुझे मालूम है सुदामा विप्र जो थे उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी ने कहा आप जाओ आपका मित्र है से पूछो, और वो गए उसे मिलने, पर उन्होंने कुछ ऐसे बोला नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, उसे अपने मित्र को मिलने के लिए गए, पुनः वो लौटे तो देखा अरे बहुत बड़ा महल है। इवन इन द केस ऑफ तुकाराम महाराज, इफ यू रीड हिज अभंगस, उनका अभंग इधर क्या है, हाँ, सुंदरते ध्यान उभे विटे वरी कर कटावरी ठेवनिया, he is just glorifying the Lord, the beautiful deity of Lord Vitthala, जो विठल की जो विग्रह है उसका वो गुणगान कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तुका मणे माजे हे जी सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवड़ी ने, वो पूरा उनका जो सुख जो है वो इसमें किसमें है, भगवान का श्रीमुख देखने, और वो जब वो श्रीमुख देखते हैं उनको बहुत पसंद, आवड़ी ने मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है,
ऐसे नहीं कि अरे किसका चेहरा देख ले, ऐसे नहीं कि अरे देखना पड़ेगा क्योंकि वैधि भक्ति है, प्रतिदिन भगवान का आराधना करनी पड़ेगी. नो, इट्स क्लियरली मेंशन, ही सेज, मतलब पाहिन श्री मुख आवड़ी ने, वो देख रहे को बहुत पसंद. दिस इज इन इज अभंगस. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी सॉरी इफ यू डोंट माइंड, एक ही जस ये था कि जो भगवान का, जो आपने बताया कि भगवान दुखी नहीं दिखाया जाता है यहाँ पे, भगवान ऐसे वृक्ष के बैठे हैं आगे, बस ये इसीलिए था ना कि इज शोइंग के मैं ही, क्योंकि भगवान तो बाय डिफॉल्ट आत्मा राम है, इज नॉट, वो दुखी इसलिए नहीं दिखा रहे ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले कि जैसे मैं रहता हूँ आप भी वैसे रह सकते हो. प्रभु जी जैसे भगवान के लिए आपने कहा कि जैसे वो बैठे वृक्ष के नीचे, जब भगवान बैठे हैं और मतलब उनको कोई अपेक्षा, कोई मतलब वो दुखी नहीं है, वो आत्मा राम दिखाए जाते हैं, वो खुश हैं और पूरी तरीके से मींस के उनको कोई भी जैसे आपने कहा वो खुश हैं, जैसे जब वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, तो वो तो भगवान का एक एक बाय डिफॉल्ट एक क्वालिटी है ना कि भगवान आत्मा राम है, तो वो तो उनमें वैसे ही होगा. लेकिन जब जो अगर हम जीव बद्ध जीव की बात करते हैं तो उनको तो भगवान, ही हैज टू लुक अप टू द लॉर्ड ओनली ना, कि भाई भगवान से ही हम प्रेरणा लेंगे, बट लॉर्ड तो बाय डिफॉल्ट ही आत्मा राम है, तो वो तो खुश होंगे ही. तो डज ही वॉन्ट टू शो बाय दिस लीला दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस? ही परफॉर्म इन फर्स्ट कैंटो भागवतम, हम एक श्लोक देखते हैं कि भगवान जो है वो अवतरित हुए और उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो एक साधारण मनुष्य करता है. तो उन्होंने क्या किया, धर्म का पालन किया, गृहस्थ धर्म का कुछ कुछ धर्म होते उसका पालन किया. तो यह लोगों को दिखाने के लिए कि अगर वह उसका पालन नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे हम क्यों पालन करें, क्योंकि भगवद गीता में भी वह कहते हैं कि अगर मुझे कुछ क्रिया करने का कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी दुनिया से परे हूँ, पर अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे कि मैं क्यों करूँ. सो दैट्स वाई ही डिड ऑल ऑफ दिस. बट आवर आचार्यस गिव अस अ डीपर मीनिंग, दे से देयर इज नो नेसेसरी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते. बिकॉज इन द्वारका ही इज बीइंग ऑल धार्मिक, यू नो, शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, क्षत्रिय का धर्म का पालन कर रहे हैं. यू गो टू वृंदावन, इज डांसिंग विद द गोपीज इन द डेड ऑफ द नाइट. सेम कृष्णा, नो डिफरेंस. जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. सो यू वांट टू से कि जैसे ही इज डूइंग इट टू शो एज एन बाय एन एग्जांपल, सो टू सेट एन एग्जांपल फॉर द मॉडर्न डे गृहस्थस, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब राम भगवान के अवतार में, सो दैट कि पीपल गेट एन आइडल टू फॉलो, सो ताकि वो वरना वरना लोग कहेंगे हम क्यों करें. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा तनु तनु. Yeah, thank you very much, Ojasvi Krishna Prabhu. Thank you very much for giving such a wonderful class. Thank you for giving so much of time it's spending with us for question and answers. You're always adored by the devotees of Sadhu Sangha. So much to learn and so much to pick up. So thank you for that. And we'll stop here and I will go for the next session, which is Narasimha Avi. If you want, Prabhu, you can leave. It's already too late. So you can continue your seva and we'll go ahead with the Narasimha Avi. Thank you, Prabhu. Once again, Hare Krishna. Very nice. I'm also always happy to just wanted to share that last year Sadhu Sangha had created, you can say with the help of this, there were almost 7 to 8 Bhakti Shastris who have joined, and this year again another 3 devotees, they have joined for Bhakti Shastri.
सम आर गेटिंग शेल्टर्ड, सम आर गेटिंग इनिशिएटेड, सो इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट गोइंग ऑन एंड I'll just announce that later. So thank you, Ojasvi, Krishna Prabhu, Hare Krishna. We'll stop here and please keep joining again. We want you more and more into our association and give such wonderful classes. Thank you, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you all for bearing me. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So.